जिसमें उम्र मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। तो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्म। तो बस जानने वाले हैं आज इस वीडियो में इस फिल्म से जुड़ी सभी अपडेट्स और जानेंगे पब्लिक क्या बोल रही है फिल्म को लेकर, पब्लिक का क्रेज किस कदर निकल के आ रहा है, पब्लिक किस तरह बौखलाई हुई है फिल्म को लेकर। बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में सभी अपडेट को लेकर। तो आप जानना चाहते हो ट्रिपल आर से जुड़ी सच्ची खबरें, सच्ची अपडेट्स, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा अगर वास्तव में आप डाई हार्ट फैन हो इंडियन सिनेमा के, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी झलक होने वाली है इंडियन सिनेमा से, क्योंकि इंडियन सिनेमा निखरते हुए आ रही है और वो दिन दूर नहीं कि वर्ल्ड में बेस्ट सिनेमा कहलाएगी इंडियन सिनेमा। वेल, अगर बात करें ट्रिपल आर को लेकर जिसका नाम काफ़ी है, शायद मेरे को लगता है कि ये फिल्म ना एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म होगी जिसका बजट ही 500 करोड़ है और ये पहली फिल्म है इंडिया के अंदर जो कि इतनी ग्रैंड ओपनिंग लेने जा रही है, जिसे कि रिलीज़ किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड 14,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसे में जानेंगे फिल्म का प्रेडिक्शन कि फिल्म अपने पहले दिन कितने कमा सकती है। प्रेडिक्शन दो तरह से होने वाले हैं, एक ये जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक प्रेडिक्शन, और दूसरा ये कि मुझे क्या लगता है, मेरे ऑडियंस को क्या लगता है कि फिल्म कितना कमा सकती है अपने पहले दिन। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल, एक बात तो देखी मैंने यार, फिल्मों का क्रेज़ और फैंस का क्रेज़ कुछ अलग ही होता है, उनका नाता उनका कनेक्शन कुछ अलग ही होता है। मैंने दिखा यार कि जो ट्रिपल आर है बुकिंग के मामले में सभी फिल्मों को पीछे छोड़ रही है, चाहे वो फिर अब बाहुबली हो या फिर 2.0। पता क्यों, उनकी फिल्में 3,000 तक की गई थी, उनकी जो हाईएस्ट प्राइस खरीदी गई थी वो 3,000 में भी खरीदी गई थी, 3,000 रुपये में लोगों ने एक टिकट खरीदी थी, एक टिकट। तो वहीं पर ट्रिपल आर ने सबको पीछे छोड़ दिया है और इसकी टिकट एक 5,000 में खरीदी जा रही है। मैं इस चीज़ को सोचकर हैरान था कि भाई लोग इतना क्या क्रेज़ है कि 5,000 रुपये देने के लिए तैयार है एक फिल्म के लिए। फिर मेरे को एक चीज़ याद आई कि कुछ फैंस ऐसे भी हैं कि फिल्म नहीं रिलीज़ हुई तो सुसाइड कर लिया। तो भाई साहब, एक बार के लिए इंसान जब जान दे सकता है तो 5,000 रुपये क्या चीज़ है। मुझे ऐसा फील हुआ खुद में कि भाई साहब वास्तव में हैं कुछ लोग डाई हार्ट फैन हैं, और वास्तव में इंडियन सिनेमा को ऐसे ही फैन चाहिए जो कि अपने सिनेमा के प्रति वास्तव में बहुत ही ज़्यादा वफादार रहे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, फैंस आपको हर तरह के मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लेकिन इस तरह के फैंस यार कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय इंडिया के, अगर मुझे ऐसा लगता है। वहीं बात करें फिल्म को लेकर क्रेज़ को लेकर, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का पहले दिन का, रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए तो ये फिल्म अपने पहले दिन 250 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, जिसमें से बताया जा रहा है कि ये फिल्म 110 करोड़ की ओपनिंग लेगी तेलुगु स्टेट से, तो वहीं पर 25 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है हमारे हिंदी यानी कि नॉर्थ इंडिया से, यानी कि जहाँ पर इसको हिंदी में देखा जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है 10 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है तमिलनाडु से, तो वहीं पर कर्नाटका बोले तो कन्नड़ वर्जन में 14 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है, तो केरला यानी कि मलयालम वर्जन में ओपनिंग ले सकती है 4 करोड़ के आसपास। तो वहीं पर ओवरसीज मार्केट में बताया जा रहा है कि इसकी ओपनिंग हो सकती है 75 करोड़ के आसपास। डेट मीन्स ये फिल्म ओवरऑल अपने पहले दिन 250 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर सकती है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। क्लोजिंग कलेक्शन की तो बात नहीं आती क्योंकि क्लोज कहाँ पर जाके होगी, हमारी उम्मीदों से परे है। अब बात करें मेरे ऑडियंस के प्रेडिक्शन को लेकर और मेरी उम्मीदों को लेकर, तो मुझे लगता है ये फिल्म इतना भी नहीं ना। तो आपको बताया अभी हिंदी सिनेमा ठप पड़ी हुई है, हिंदी सिनेमा में इतना पब्लिक की तरफ से ना ओपिनियन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी भी फिल्म को लेकर, चाहे वो अब राधेश्यामी क्यों ना थी। तो यार मेरे को लगता है कि ये फिल्म मैक्सिमम 20 करोड़ तो नहीं लेकिन 15 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर सकती है हिंदी सिनेमा से, तो वहीं पर 100 करोड़ के आसपास ये फिल्म कहीं ना कहीं असेंबल कर सकती है तेलुगु स्टेट से। तो वहीं बाकी के अदर स्टेट्स बसते हैं तेलुगु में बोले तो साउथ में, वो मैक्सिमम 25 से 30 करोड़ की रिकवरी करा सकते हैं। जहाँ पर इस फिल्म का जो बजट है, कलेक्शन है, मैक्सिमम 150 करोड़ हो रहा है इंडिया से, तो वहीं पर ये 50 करोड़ के आसपास ओवरसीज मार्केट से कमा सकती है ना। तो फिर भी ये फिल्म का जो ओपनिंग कलेक्शन है मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 करोड़ तो होगा ही होगा। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या है राय फिल्म को लेकर, कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।